मानसून वाली राइड सच में बहुत खूबसूरत होती है, और जितनी खूबसूरत होती है उतना ज़्यादा खतरा भी मानसून के टाइम पे होता है। आज के दिन हमें कवर करना है लगभग 250 किलोमीटर से भी ऊपर, भारी भारी से धक्का मारना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, जो ये धारा बना रखा है ना, तो यहाँ पे ये मटके जैसे लगा रखे हैं। सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ों पे एकदम घने से बादल लगे हुए हैं, एकदम अंधेरा सा होने लग गया है, शायद बारिश आने वाली है। हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी अभी शुरू हो गई है, तो चलिए जी आज के दिन की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी सुबह सुबह हमारी तैयारी है एक ट्रिप पे निकलने की। उत्तरकाशी जिले में एक जगह पड़ती है जहाँ पर बटर फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है, तो वहाँ निकलने की तैयारी है हमारी। बस थोड़ा सा अभी मौसम साथ दे, उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग भी। फोन करने वाला है। अच्छा ठीक। जय माँ राकेश्वरी, जय भोलेनाथ। सुबह के ठीक 9:30 हो रहे हैं और हम लोग भी निकल गए हैं अपने गांव से उत्तरकाशी जिले के लिए। अब ठीक इस वाली जगह पे देखो बहुत सारे जंगली मुर्गे हैं ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। कुकुकू। यहाँ से तो अभी हम 3 लोग निकल रहे हैं इस वाली ट्रिप पे, मैं, ऋतिक और कैलाश। अनु भाई थोड़ा सा कुछ काम से उखिमठ जा रहे हैं, बाकी इस वाली ट्रिप में आगे से हमारे साथ आलोक राणा और सुजान भाई भी जुड़ रहे हैं। हमारे गांव से हमारा मेन मार्केट है उखिमठ, जो कि यहां से 22 किलोमीटर दूर है। मानसून वाली राइड सच में बहुत खूबसूरत होती है, और जितनी खूबसूरत होती है उतना ज़्यादा खतरा भी मानसून के टाइम पे होता है। लगातार हर जगह लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरते हैं, तो ऐसे में संभल कर चलना होगा हमें भी। बाकी ठीक सामने से देखो खूब सारे बादल पहाड़ों पे लगे हुए हैं, अच्छी बात यह है कि अभी बारिश नहीं है। अब बरसात के टाइम पे ऐसी वाटर क्रॉसिंग हमें बहुत जगह पार करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो भाई पूरे जूते अभी ऐसे करने पड़ेंगे। आजकल मॉनसून में रोडों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, हर जगह मलवा सा आ जाता है। बस किस्मत सही होनी चाहिए, आगे कहीं पर भी रोड खराब ना हो। चलिए जी अभी हम लोग उखिमठ मार्केट पहुंच गए हैं, अब यहां से ट्रिप के हमारे सारे साथी एक साथ हो जाएंगे। अब आज हमारा लंबा सफ़र है तो बाइक का भी साथ ज़रूरी है, तो बाइक को भी एक बार यहां पर मैकेनिक के पास दिखा देते हैं। यार इसकी ना पहले तो हवा कम है, चैन आवाज़ कर रही है हल्की। चलिए जी यहां उखिमठ से हमारे ट्रिप के 5 साथी मिल गए हैं, आलोक, सुजान भाई जी, कैलाश, ऋतिक। अब आज का सफ़र हमारा बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास। और बढ़िया बात यह है कि अभी मौसम बढ़िया है, बारिश नहीं लग रही है, तो आराम आराम से अभी सारे दोस्त लोग निकल गए हैं। ऐसी रोड ट्रिप पे सबसे ज़रूरी काम है सबका सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। ये जगह है कुंड, और ठीक सामने इस पुल को पार करते ही केदार घाटी वाला रूट शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल ये पुल पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, शायद नीचे से कुछ वाइब्रेशन की वजह से पुल में दरारें आ रखी हैं। अब मॉनसून का टाइम है तो हर जगह ऐसे चट्टानों से ऐसा पानी आता हुआ दिखाई देगा हमें पूरे रास्ते भर में। तो चलिए जी यहाँ से अब एकदम बढ़िया वाला हाईवे शुरू है। घर से अभी हम लोग 45 किलोमीटर आ गए हैं, ये जगह है अगस्त मुनि। बाइक में फ्यूल भी कम है तो यहाँ से फ्यूल भरवा लेते हैं। अगस्त मुनि से आगे एक जगह पड़ती है तिलवाड़ा, तो वहीं से हमें दूसरे वाले रूट पे जाना है आगे की तरफ। सुजान भाई जी घर से घर के केले लेकर आ रखे हैं, तो ये देखो भाई चलते चलते थोड़ा बहुत केले खा लेते हैं।
इस वाली ट्रिप पे हमारी एक बाइक है अपाचे 200, सुजान भाई की हिमालयन और आलोक की पल्सर 150। अभी हम लोग तिलवाड़ा पहुंचने वाले हैं। तिलवाड़ा से आगे वाला जो रूट है वो मेरे लिए बिल्कुल नया होने वाला है। देखते हैं भाई कैसा रहता है इस बार। और यहाँ से ठीक नीचे ये नदी है मंदाकिनी। तिलवाड़ा तक हम लोग इसी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। ये है जी तिलवाड़ा मार्केट और यहाँ से हमें अब इस नीचे वाले रूट पे जाना है। अभी हम लोग तिलवाड़ा से भी आगे पहुंच गए हैं, बाकी दोस्त लोग पीछे हैं तो उनका वेट करते हैं। और यहाँ से नीचे देखो एकदम धान के बड़े प्यारे खेत दिखाई दे रहे हैं और ठीक नीचे है लस्तर नदी। अब यहाँ से आगे रोड एकदम संकरी संकरी होती जा रही है। ठीक यहाँ से मयाली है 18 किलोमीटर और घनसाली है 66 किलोमीटर। रोड की हालत आजकल पहाड़ों में कहीं भी चले जाओ आपको ज्यादातर जगह ऐसी ही देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत होते जा रहा है। चारों तरफ एकदम चीड़ के जंगल हैं और उनके बीच से ये बहुत खूबसूरत सड़क। अब वे छोटी वो को दिखो उच हाँ रतनगढ़। अच्छा दिन के अभी 1:30 बजने वाले हैं और स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। रोड थोड़ा सा संकरी है तो संभल कर तो चलना पड़ेगा भाई। सामने इस वाली जगह पे एक बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग है। अभी हम लोग मयाली पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगा। और अभी मेरा GoPro भी ऑफ हो गया था तो मैंने इसको यहाँ पर अभी चार्ज पे लगाया है। जब भी ऐसी राइड होती है तो उस टाइम पे ज्यादातर जो भी हमारा ब्लॉग है वो मोटो ब्लॉग के थ्रू बनता है, तो इसलिए बीच बीच में उसको चार्ज करना भी जरूरी है भाई। घर से अभी हम लोग 76 किलोमीटर आ गए हैं और आज के दिन हमें कवर करना है लगभग 250 किलोमीटर से भी ऊपर। और दिन के अभी 2 बजने वाले हैं और मुझे लगता है अगर ऐसे आराम आराम से रुक के जाएंगे तो रैथल गांव में हम बहुत लेट पहुंचेंगे। तो ये जगह है मयाली मार्केट। अरे रे 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 यहाँ पे रोड की तो बुरी हालत हो रखी है। बारिश के टाइम पे किसी किसी जगह पे बहुत पानी आता है तो उस टाइम पे वहाँ की पूरी मिट्टी बह जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, तो तब कुछ ऐसे मिट्टी भरनी पड़ती है भाई। यहाँ पर देखो भाई एक पुल है और पुल के ऊपर खूब सारा पानी है। इस वाली जगह का नाम है काला डंडा, शायद ऊपर बड़े बड़े काले पत्थर हैं। चलो भाई इस वाले रूट पे गंगोत्री है 231 किलोमीटर, तरकासी 134 किलोमीटर और सामने देखो भाई एक प्यारा सा गांव है एकदम पहाड़ के टॉप में। यहां से बड़ा सुंदर लग रहा है, पीछे एकदम बादल लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग एक खूबसूरत जगह पे पहुंच गए हैं। ये जगह है कुटमणा घाटी, तो यहाँ पर एक बार लंच कर लेते हैं उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखो भाई एक प्यारा सा होटल है और सबसे यूनिक चीज ये लगी मुझे, जो ये धारा बना रखा है ना, तो यहाँ पे ये मटके जैसे लगा रखे हैं तो आराम से यहाँ से अच्छे ढंग से पानी आ रहा है। अब इतनी खूबसूरत जगह पे आके इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है भाई। रोटी सलाद दाल कड़ी सब्जी। अब जिस वाली जगह पे अभी हमने लंच किया यहाँ पर देखो भाई एक पुराना पुल रहा होगा तो ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आ रखे हैं। हालांकि अब नया पुल बन गया है वो ठीक सामने की तरफ। चलिए जी 3:15 के आसपास हम लोग भी लंच करके निकल गए हैं आगे उत्तरकाशी की तरफ। देखते हैं भाई कितने बजे तक हम लोग उत्तरकाशी पहुंचते हैं। अभी तक हम लोग लगातार पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, अब यहाँ से हमें इस पहाड़ पे नीचे की तरफ उतरना है। लगभग 2 घंटे हमें कंटिन्यू राइड करते रहना होगा बिना किसी ब्रेक के, तब जाकर अच्छे ढंग से अभी जो भी हमारा रास्ता है वो कवर होगा। ऐसे राइड करते हुए सबसे जरूरी है न ज्यादा तेज चलें न ज्यादा स्लो, अगर एक एवरेज स्पीड से चलते रहेंगे तो रास्ता जल्दी कवर हो जाएगा। और अभी भी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास और है। लगभग शाम के 4 बजने वाले हैं। कितने बजे तक पहुंचेंगे हम रैथल गांव में? रैथल तो रात 9-10 बजे पहुंचेंगे। रैथल नहीं पहुंचेंगे, आज पहुंचेंगे हम उत्तरकाशी लगभग 6-7 बजे। तो चलो भाई आराम आराम से ये हम लोग चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सेफली वहां तक पहुंचना है बस। इस वाली ट्रिप में हम लोग बहुत सारे गांवों से गुजर चुके हैं और पता नहीं अभी कितने और गांवों से गुजरना होगा हमें,
लेकिन कोई भी गांव को ना हम ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। मतलब एकदम एक होड़ सी लगी हुई है आगे चलने में। शाम के अभी 4:45 हो गए हैं। हम लोग हैं घनसाली मार्केट में और यहां से अभी उत्तरकाशी है लगभग 99 किलोमीटर के आसपास। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक हम लोग घर से 130 किलोमीटर ही आए हैं। जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से अभी हमने कुछ भी रास्ता कवर नहीं किया है। 250 से भी ऊपर रैथल गांव है और मुझे नहीं लगता कि आज 8-9 बजे रात तक भी हम लोग वहां पहुंचेंगे। यहां पर देखो भाई, छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा है। हेलो हेलो हेलो। शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं। हम लोग हैं चमियाला मार्केट में। ट्रिप के हिसाब से जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आलोक और सुजान भाई की बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अब इनकी बाइक में तो इंजन ऑयल ही नहीं था। 2.5 लीटर इसमें इंजन ऑयल रहता है और ये देखो भाई 0.5 लीटर ही निकला इसमें से, वो भी एकदम काला सा हो रखा है। अभी सुजान भाई की बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद इसको धक्का मार के यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक लेके जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कैलाश और ऋतिक तो मेरे साथ बैठ गए हैं, साथ में बैग भी हैं। कैसे करके यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक पहुँच जाएँ, वहाँ पर अगर मैकेनिक होगा तो बाइक दिखा देंगे वहाँ पर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, सोचा था आज उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। यहाँ से टो टच में ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं भाई, देखते हैं अगर चढ़ाई रहेगी ज़्यादा तो फिर नहीं ले जा पाएंगे। तो भारी भारी से धक्का मारना पड़ेगा। ऋतिक देखो भाई अभी पीछे से धक्का मार रहा है। अभी ऑप्शन है हमारे पास, भारी भारी पर। ऋतिक आ जा। जब भी ऐसी लॉन्ग राइड पर आते हैं तो ज़रूरी है भाई बाइक की जो सर्विस है वो अच्छे से हो। चमियाला बाज़ार में रॉयल इनफील्ड का कोई भी मैकेनिक नहीं मिल पा रहा है। चलो 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 चलो, मार्केट में ना और ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। यहाँ चमियाला मार्केट में ही एक दूसरे मैकेनिक के पास दिखाई, उसमें टाइमिंग चेन में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा फिर से घनसाली, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर है। तो चलो भाई अब क्या ही करना, इमरजेंसी आ गई तो वापस घनसाली जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ से मैं और आलोक जाएंगे घनसाली मार्केट। रात के अभी 8 बज गए हैं। हमने वो पार्ट्स का पता घनसाली में भी किया, वहाँ भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा या तो उत्तरकाशी में या तो श्रीनगर गढ़वाल में। अब देखो भाई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। वो चीज़ कल ही हो पाएगी, अगर उत्तरकाशी से भी लाएंगे तो कल ही लग पाएगा, श्रीनगर से भी लाएंगे तो कल ही लग पाएगा। तो फिलहाल अब यहीं रुकना है आज, एक बार रूम की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है कल। तो गाइज ये है रुद्रा जो कि बीमार हो गई है। आज हमने रुद्रा का रुद्रा उतार देखा। चलो भाई कोई नहीं, ये तो एक जर्नी का हिस्सा है। आज यहीं रुकना लिखा होगा चमियाला में, यहीं की रोटी आज हमारी किस्मत में होगी।